नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। नाबालिग बेटी के सम्मान के लिए 3 माह से न्याय की गुहार लगा रही एक मां को जब ग्रीवेंस की दूसरी बैठक में भी न्याय नहीं मिला तो उसका दर्द व गुस्सा फूट पड़ा। परिवार समिति की बैठक में मंत्री के सामने ही खूब खरी खोटी सुनाई। मामला थायराइड की जांच कराने पहुंची एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में 13 वर्षीय नाबालिग बेटी को प्रेग्नेंट बताने से जुड़ा हुआ है। पहले सरकारी चिकित्सक नाबालिग बेटी को प्रेग्नेंट बताते हैं, इसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, जबकि अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तमाम रिपोर्ट झूठी निकलती है और रिपोर्ट नेगेटिव आती है। बस अब मामला बेटी के मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। मां का कहना है कि 3 महीने से बेटी मानसिक प्रताड़ना झेल रही है, पूरे परिवार के मान सम्मान पर ठेस पहुंची है, ऐसे में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। बीजेपी की महिला नेत्री ने तो ग्रीवेंस की बैठक पर ही सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि 2 बार डॉक्टर्स के बोर्ड का गठन हो चुका है, ग्रीवेंस में भी लगातार 2री बार मामला रखा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो विश्वास भी डगमगाता हुआ दिखाई दिया। परिवार समिति की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के संराज मंत्री अनूप धानक ने रेवाड़ी सीएमओ को लताड़ जरूर लगाई, लेकिन बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। हालांकि माननीय मंत्री की ओर से प्रशासनिक कमेटी गठित कर 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट देने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि बेटी को न्याय मिल पाएगा या नहीं, या फिर यूं ही जांच रिपोर्ट के नाम पर एक मां अपनी बेटी के सम्मान के लिए सरकारी दफ्तरों के ठोकरे खाती रहेंगी। बता दें कि शुक्रवार को रेवाड़ी के बाल भवन में आयोजित परिवार समिति की बैठक में कुल 18 परिवार रखे गए थे, जिनमें से 12 का समाधान कर दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल है कि पुराने 7 परिवारों में से महज 2 परिवारों का ही समाधान हो पाया। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बच्ची की माँ हमारे साथ खड़ी है, वो आपसे कुछ बातें करना चाहती है, प्लीज आप इनको सुने। मन मेरी बेटी 13 वर्ष की थी, जिसको थायराइड का दवाई दिलवाने के लिए गई थी, लेकिन दवाई दिलवाने गई तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि मैं आपकी बेटी का टेस्ट करूंगी, जिस टेस्ट का नाम हार्मोन है, जिसके टेस्ट हार्मोन का नीचे हो गए, जिस वजह से उसके पीरियड नहीं आते। सर मैंने कहा मतलब कोई बात नहीं, उन्होंने हार्मोन टेस्ट का नाम लेकर मेरी बेटी का सीधा प्रेगनेंसी टेस्ट किया, किट से प्रेगनेंसी टेस्ट किया, सर उस प्रेगनेंसी टेस्ट से किट से चेक करने का बोले आपकी बच्ची 2 महीने की प्रेगनेंट है। ऐसी कौन सी डॉक्टर है जो प्रेगनेंसी टेस्ट मुझे बताते कि आपकी बच्ची 2 महीने की प्रेगनेंट है, तभी मेरी बच्ची के 2.5 महीने पूरे हो चुके थे, पीरियड नहीं आ रहे थे। सर उसके बाद मैंने सीओ को मैं इधर उधर चक्कर काट रही हूँ बार बार,
है कि वे हमको अपने डॉक्टर में ड्यूटी निभाइए। आप साथ ले गए सीएम और मैडम, सीएम साहब का आपने पूछो ना, आपकी ड्यूटी लगाई सर, मेरी ड्यूटी लगाई थी, मेरे पास कॉल आया, लेकिन मैं वहाँ जब कमेटी में पहुँची तो वो लोगों ने मेरे को बिल्कुल अलग कर दिया कि आप इस कमेटी में नहीं हो, और मुझे इसके बारे में वो कुछ भी नहीं पता कि लोगों ने क्या किया क्या नहीं, मेरे पास कोई बोर्ड की मीटिंग का प्रवेशन कमेटी का हवाला देके आप जब आपको प्रवेशन कमेटी की मीटिंग में इनको साथ होता था आपकी कमेटी में उसका हवाला देके आपकी ये कौन सी बात है कि आप किस निर्देश से थे किसी दूसरे जिले के सीएमओ की कमेटी से आपकी तरह किसी भी बात पर या तो आपने फैसला करना तो फिर
रास्ता निकालना है, दूसरा रास्ता तो निकालना पड़ेगा। लेडी का सिंगर या एक्टिंग कौन है यहाँ? आज हमारे ग्रामीण सिस्टमेटिक की मीटिंग में 18 परिवाद लगे हुए थे, 7 पुराने थे और 11 नए थे। 11 में से 10 का समाधान हो गया है और एक पेंडिंग रखा गया है। पुराने 7 थे, उनमें से 2 निपटा दिए हैं और 5 पेंडिंग रखे। सबसे बड़ा मुद्दा जो हुई इसकी, निश्चित रूप से हमने आज CMO साहब और एक SDM कोसड़ी और एक हमारी कोई भी महिला अधिकारी, तहसीलदार या हमारे जो DSWO है वो उनकी लेवल की, और जो ये महिला थी इनके साथ बैठ करके 3 दिन का इनको टाइम दिया। 3 दिन के अंदर जो नेगलिजेंसी बोर्ड होता है उसके अंदर ये अपनी रिपोर्ट देंगे, जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। एक उचाना चुनाव को लेकर अभी एक वक्तव्य आया अजय चौटाला जी का, उन्होंने कहा कि पहले तो सरकार ये लूट ग्रोह है और ये जो सीट थी उचाना वाली वो इनोलो की सीट रही है और आगे इस पर इनोलो की ही जीत होगी, इस पर किस तरह देखते हैं इसका? ये फैसले हाईकमान के हैं। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर, और पूरे प्रदेश में विकास कार्य जो हो रहे हैं बड़े तेजी से हो रहे हैं और दोनों बड़ा अच्छा मिलजुल करके काम कर रहे हैं, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी। निश्चित रूप से वो जो फैसले जब चुनाव के अंदर होंगे वो हाईकमान के होंगे, भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमान है सुप्रीमो है वो बैठेंगे और हमारे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो वो बैठेंगे, जो फैसला होगा वो मौके। निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश की सरकार है जो बिल्कुल जो PWD विभाग है, हरेक विधायक को 25 करोड़ रुपए की सड़क के रिपेयर के लिए उनसे काम मांगे गए थे और उनकी रिपोर्ट आ गई है, सारे सब के लगभग टेंडर लग चुके हैं और भी कोई कमी बेसी तो जल्द। यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट लाने की तैयारी चल रही है, कांग्रेस बता रहे कि ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लाया जा रहा है UCC के। वो तो कांग्रेस पार्टी को क्या दिखता वो कांग्रेस पार्टी जाने।